बारीकियों से आपको जब काम करना होता है और कास्ट जो आपने साइन किया और ढूंढ के एकदम चुन चुन के लाया, लग ही नहीं रहे हैं कि ये डैडी का कैरेक्टर किया है, बहुत अच्छा और एक्सपीरियंस रहा। क्या शेयर करेंगे मूवमेंट्स को, आप कुछ बताना चाहेंगे? यहाँ जितने लोग आए हैं सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती टाइम में से इतना हमें दिया। और ये म्यूजिक को लेके तब जाके ऐसा बना। एक्चुअली मैं सबसे पहले मैंने ये रब्बा गाना कंपोज किया था, और इंटरेस्टिंग पार्ट ये लगा कि जब इन लोगों ने बताया कि ये प्लॉट पॉइंट है फिल्म का जहाँ से बहुत डिसाइसिव मोमेंट होता है, जी तो ऑब्वियसली उसमें काफ़ी मनन करना पड़ता है कि उसके सबटेक्स्ट में क्या चल रहा है और क्या चीज़ ये रहेगा। फिर आशीष जी ने इतना अच्छा लिरिक्स लिखा तो उसको लिरिक्स को पहले मेरे पास आया वो चीज़, और फिर उसके एक एक शब्द को लेकर के उस थॉट प्रोसेस को, पूरी कहानी को मैंने बाउंड स्क्रिप्ट को पढ़ा था, तो उसका ये फायदा हुआ कि उस मर्म को समझते हुए मैंने कोशिश की कि इस पॉइंट पे एक लड़की बहुत बड़ा डिसीजन, जो प्रोटेगोनिस्ट है फिल्म की, वो बहुत बड़ा एक डिसीजन ले रही है जो आप को अंदाजा लगा होगा, और ऑब्वियसली जब फिल्म देखेंगे तो उसका डिटेल पता चलेगा। दैट इज़ अ वेरी जी इंटरेस्टिंग पॉइंट। जी तो रब्बा पहले कंपोज किया और फिर तब आया कि लीलो करना है एक हरियाणवी फोक पे। जी लीलो से हमें याद आया सर, जब ये लीलो गाना जब आपके पास मिला तो कैसे आपने ये म्यूजिक और ये जो लिरिक्स है आपने कैसे लिरिक्स तो उस... आदित्य जी ने जी दिया, और हमारी डिस्कशन, चूंकि मैं हंसराज दिल्ली से हूँ जी और काफ़ी हरियाणवी वातावरण, मेरे सारे दोस्त हरियाणा से ही थे बहुत ज़्यादा, तो वो फोक को मैं जानता हूँ, अच्छा से समझता हूँ, तो उस चीज़ को अप्लाई किया कि और शादी के माहौल में ढोलकी बजना चाहिए, हारमोनियम बजना चाहिए, सारी चीज़ें एलिमेंट होने चाहिए। और मुझे एक इंटरेस्टिंग बहुत और काफ़ी ऑब्जर्वेशन जो सुनने वालों का आ रहा है कि साइकिल की घंटी जो है अपने आप में बड़ा, जो इंट्रो म्यूजिक में आता है वो काफ़ी लोगों को आकर्षित कर रहा है क्योंकि अपने आप में वो साउंड जो है बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, तो वो एक हमने शुरू में डाला कि इन्हें पता कि साइकिल से ऐसा है कि, तो मैंने बोला चलो ठीक है साइकिल की घंटी ये करते हैं।